नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मुकेश आर्य, लाइफ कोच मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SBS आर्य पर। दोस्तों, आज की यह जो सीरीज इस चैनल पर आने वाली है, यह सीरीज आप सभी के लिए बहुत खास है। जी हां, बिल्कुल बहुत खास है आप सभी के लिए। अगर आप कुछ अपने बच्चों को विशेष बनाना चाहते हैं, और आप सभी के लिए जिन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ सपने देखे हैं या कुछ सपने देखते हैं इन फ्यूचर, अगर आप इस सीरीज को मिस करते हैं, अगर आप इस सीरीज को मिस करते हैं और फिर इन फ्यूचर कभी आपको जाकर के रोना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, उसके लिए जिम्मेदार होंगे आप स्वयं, क्योंकि आप सबने यह सीरीज मिस कर दी। तो दोस्तों, बहुत सारी फैमिली को रिव्यू करने के बाद, बहुत सारी फैमिली के अंदर डीपली जाने के बाद, क्यों आज उनकी फैमिली की ये इतनी बेकार सिचुएशन किस कारण से है। आज कहते हैं, आज के जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे हाथ में नहीं हैं, हमारे बच्चे हमारी मानते नहीं हैं, जैसे लाइफ चल रही है वैसे चल रहे हैं। अगर उन्हें कहते हैं कि ये मत करो ये बुरा है, ये मत करो ये बुरा है, ये मत खाओ ये बुरा है, तो नहीं मानते बच्चे। आज के समय में अपनी मनमानी कर रहे हैं, और फिर पेरेंट्स के सामने एक ही उपाय रहता है कि अब हम क्या कर सकते हैं। अगर बच्चों को और ज़्यादा डांटेंगे और ज़्यादा कसेंगे तो हो सकता है कि हमारे बच्चे कुछ और गलत रास्तों पे निकल जाएं, कुछ बड़ा फैसला, जो कि कुछ बहुत गलत बड़ा फैसला ले लें। सब पेरेंट्स इस एक डर के साथ आज जी रहे हैं, यह इस जीवन की, यह इस समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस सीरीज की सबसे पहली वीडियो के बारे में, कि जैसा आप दिखाते हैं वैसा आप सिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप अपने बच्चे को दिखाते हैं वैसा सिखाते हैं, क्योंकि कहते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वह एक कोरे स्लेट की तरह होते हैं, एक कोरे कागज की तरह होते हैं। जो आप लिखना चाहें वह आप उस पर लिख सकते हैं, जो आप उसको बनाना चाहें वह आप उसको बना सकते हैं। दोस्तों, हर एक माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा विशेष बने, लेकिन विशेष बनेगा कैसे, क्या कभी इस बारे में सोचते हैं? कभी नहीं सोचते। अगर सोचते हैं तो मात्र इतना कि हमें अपने बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन दिलाना है। लेकिन दोस्तों, जब तक वो एडमिशन की बारी आती है, आजकल तो प्ले स्कूल चल गए हैं, कुछ माता पिता बच्चों से बचने के लिए प्ले स्कूल में डाल देते हैं, लेकिन जब तक उसके एडमिशन की बारी आती है, उससे पहले बच्चा बहुत कुछ बन चुका होता है, बहुत कुछ बन चुका होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वह आपको देख रहा है, वह आपसे सीख रहा है। अपने छोटे छोटे बच्चों का एक उदाहरण देना चाहूँगा आज के इस समय का। आपने देखा होगा कुछ बच्चे रोते रोते अचानक चुप हो जाते हैं जब उनके सामने मोबाइल आ जाता है। यह सब कुछ क्या हो रहा है? यह सब कुछ जो आप दिखा रहे हो, जो आप सिखा रहे हो, वह सब कुछ देख रहा है और सीख रहा है, यह आपका बच्चा। तो दोस्तों, इसी तरह से बहुत सारी फैमिली में छोटे छोटे बच्चों के सामने बहुत सारी लड़ाइयाँ, या फिर एक दूसरे को अब्यूजिंग, एक दूसरे को अपशब्द बोलना, और बहुत सारी इसी तरह की गुस्से में बात करना, यह सब कुछ जब एक छोटा बच्चा देखता है, जो तो देखता है वही सीखता भी है। जो बच्चा देखता है वह सीखता है, इस बात पर मैक्सिमम पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, और कभी ध्यान नहीं देते कि हम जो दिखा रहे हैं वह अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, बना रहे हैं, कभी कोई ध्यान नहीं देता। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यह जो एक एज होती है जन्म से लेकर के और लगभग 2 साल के आसपास तक की जो एज होती है, वह सबसे खास एज होती है, क्योंकि वह जो देखता जाता है वह सीखता जाता है, वह जो कोरी स्लेट होती है, वह जो कोरी काफ़ी होती है, उस पर यह सब कुछ लिखा जा रहा होता है, इसी से वह बच्चा बन रहा होता है, इसी से बन रहा होता है बच्चा। कहते हैं ना दोस्तों कि जन्म के समय में जैसी माँ देखती है, जैसा सुनती है, वैसा बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जी, बहुत सारे उदाहरण हैं, इस वीडियो में नहीं बात करना चाहते उन उदाहरणों के बारे में, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं कि जो बच्चे को आप दिखा रहे हो कुछ अच्छा या कुछ बुरा, जो बच्चे को आप सुना रहे हो कुछ अच्छा या बुरा, वह सब कुछ वह बच्चा सीख रहा है। हमेशा ध्यान रखें अपने बच्चों पर कि आप उन्हें सिखाना क्या चाहते हो, आप उन्हें बताना क्या चाहते हो, आप उन्हें बनाना क्या चाहते हो। विशेष बनाना चाहते हो तो विशेष आपको सब कुछ करना पड़ेगा उन बच्चों के आगे, उन बच्चों के सामने, और ऐसा कुछ भी ना करें कि वह उसको सीखें, उसको जाने और कुछ गलत बने। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे विचारों के साथ में आने वाली वीडियो के साथ आप बने रहें, जिनमें कि आपको बहुत कुछ विशेष सीखने के लिए मिलेगा। आइए दोस्तों, अब जीना सीखें, बहुत उठाए दुख अब खुश रहना सीखें। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, एक बात जरूर कहना चाहूँगा आप सभी से, आप अपने बच्चों को किस तरीके से विशेष बनाना चाहते हैं,
आपके क्या सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आने वाली वीडियो में उन कमेंटों के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सुझाव हैं कि जो उपाय एक पेरेंट्स, एक माता पिता अपने बच्चे को विशेष बनाने के लिए कर सकते हैं, उन सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग हमसे एक फैमिली की तरह अपनी राय ज़रूर शेयर करते हैं।